गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं मुस्कान, आपकी सीए की मेंटोर, और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ई मेंटोर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज है 10th of January और आज हम 10th January के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको MCQ फॉर्मेट में कवर करेंगे। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी पहली न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास है कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका क्वेश्चन था, ओगाडा जेल जिसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है गोवा। ओगाडा जेल गोवा में स्थित है। आज के हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस 2021 डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2021 के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस क्या है हमारे, निर्मला सीतारमन, रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है। ये डायरी, डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये एक ऐप है जो 11 भाषाओं में रहेगा और ये लोगों को 15 जनवरी से अवेलेबल होगा। हर महीने का एक थीम होगा और हर महीने यह ऐप किसी फेमस इंडियन पर्सनालिटी को फीचर करेगा। साथ ही साथ आप इसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स और प्रोग्राम्स के टाइमलाइन को भी देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी चेंजेस लोगो टू हाईलाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोकस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1964। किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस को हाईलाइट करने के लिए 1964 के बाद पहली बार अपने लोगो को चेंज किया है? ऑप्शंस है हमारे, होंडा, जनरल मोटर्स, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स कंपनी ने बताया कि ये जो था ये पहले वाला लोगो था और ये जो न्यू लोगो है इसमें जो लेटर्स हैं उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है और एम के नीचे जो लाइन है ये कहीं ना कहीं शॉकेट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और ये एम के जो 3 लाइंस है वो प्लग के 3 पिंस को जो साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहा है। ये कंपनी ने इन्फो दी है अपने न्यू लोगो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच यूनिवर्सिटी स्कल्पचर रिमूवल ट्रिगर टेंस सिचुएशन। किस यूनिवर्सिटी में मूर्ति को रिमूव करने की वजह से वहां पर जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस्ड हो गई है? ऑप्शंस है हमारे, साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, जाफना यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एंड मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है जाफना यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है, ये श्रीलंका के मुल्लई तीवु डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये स्थित है। यहाँ पर 2009 में एक सिविल वॉर हुआ था जिसमें हजारों लोगों की डेथ हुई थी और उन्हीं के मेमोरी में ये स्कल्पचर बनाया गया था और उस स्कल्पचर को अब रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी टू न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस। जो US में अभी इलेक्शन हुआ था तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वहां के वाइस प्रेसिडेंट बनी है कामला हैरिस, और आपको यहाँ पर कामला हैरिस की जो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी है उनका नाम बताना है। ऑप्शंस क्या है, कैथरीन टाई, करीना जीन पियरे, सबरीना सिंह, वनीता गुप्ता। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है सबरीना सिंह। ये है सबरीना सिंह और यही वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी बनी है।
यहाँ पे वनीता गुप्ता जो है ये अटॉर्नी जनरल बनी है और करीना जीन पियरे जो है वो प्रेसिडेंट जॉन बिडेन की सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन विल वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी स्टार्टेड। वैक्सीनेशन ड्राइव का फर्स्ट फेज जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शंस है हमारे 26 जनवरी 2021, जनवरी 25 2021, जनवरी 18 2021 और जनवरी 16 2021। आंसर है इसका जनवरी 16 2021। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की फर्स्ट फेज स्टार्ट होगी और इसमें किसको प्रायोरिटी दे पर रखा जा रहा है, इसमें जो कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे थे लोग, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, इन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनको भी इस प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा। और इंडिया ने दो कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया था, उनका क्या नाम था? वो दो वैक्सीन थे कोवैक्सीन और कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऐप इमर्जेस एज एन अल्टरनेटिव आफ्टर व्हाट्सएप चेंज इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने अपना प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दिया है और इसकी जगह पे एक नया ऐप जो है वो देखने को मिल रहा है, इसका नाम आपको बताना है, हालांकि यहाँ पे तो आपको दिख ही गया होगा। ऑप्शंस क्या है हमारे, हाइक, सिग्नल, फेसबुक, टेलीग्राम। आंसर है इसका सिग्नल। इस ऐप को लोग व्हाट्सएप के बजाय प्रेफर कर रहे हैं और बिकॉज इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इवन अगर आप चैट करते हैं तो आप उसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आपकी ओल्डर चैट्स जो हैं वो डिलीट होती रहेंगी। सो लोगों की प्राइवेसी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए लोग काफ़ी इस ऐप को पसंद कर रहे हैं। और लास्ट 2 डेज में ये ऐप जो है इसको लोगों ने 1 लाख लोग से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया और वहाँ पर साइन अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पेंड नोवेल राइट अंडर योर नोज। राइट अंडर योर नोज ये नोवेल के राइटर का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है हमारे उर्जित पटेल, आर गिरिधरन, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन। आंसर देखते हैं इसका, आंसर है इसका आर गिरिधरन। जो राइट अंडर योर नोज नोवेल है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आर गिरिधरन ने। और ये जो स्टोरी है इसमें ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है जो कहाँ से रिलेट करती है, ये नागपुर महाराष्ट्र की कहानी इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ऑप्शंस क्या है, 8 जनवरी, 11 जनवरी, 10 जनवरी और 9 जनवरी। आंसर है इसका 10 जनवरी। 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, टू क्लीन नोएडाज लार्जेस्ट इरिगेशन ड्रेन विच IIT अप्रूव्स बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़। नोएडा की लार्जेस्ट इरिगेशन ड्रेन को क्लीन करने के लिए किस IIT ने कितने करोड़ का बजट अप्रूव किया है? ऑप्शंस हैं इसके, IIT दिल्ली ₹6.6 करोड़, IIT कानपुर ₹7 करोड़, IIT दिल्ली ₹6.5 करोड़ और IIT गुवाहाटी ₹8 करोड़। आंसर है इसका IIT दिल्ली ₹6.5 करोड़। IIT दिल्ली ने नोएडा के लार्जेस्ट इरिगेशन ड्रेन को क्लीन करने के लिए 6.5 करोड़ रुपीस के बजट को अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स सुपर लग्जरी बस सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज पैसेंजर। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लेडीज पैसेंजर के लिए सुपर लग्जरी बस सर्विस को स्टार्ट किया है? ऑप्शंस है हमारे, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। आंसर क्या बनता है इसका,
आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने लेडीज पैसेंजर के लिए सुपर लग्जरी बस सर्विस को स्टार्ट किया है और ये कहां से कहां तक चलेगी, इसका रूट होगा विजयवाड़ा से हैदराबाद तक। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका क्वेश्चन है हु ट्वीटेड यू सिग्नल विच लेड टू अ मैसिव साइन अप्स फॉर दिस ऐप। रिसेंटली ये जो यूज सिग्नल फ्रेज है इसको ट्वीट किया गया था, जिस ट्वीट के बाद बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और वहां पे साइन अप किया। आपको कमेंट में बताना है कि ये जो फ्रेज है यूज सिग्नल, इसको किसने ट्वीट किया है। सो ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो का क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल में अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।